नमस्कार, आप देख रहे हैं सी संस्कार न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ विवेक त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की 30 खबरों पर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल की पुण्यतिथि, शहर कांग्रेस अध्यक्ष जगर बहादुर अनुन ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल, 1956 में बने थे मुख्यमंत्री। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर नव वर्ष की संध्या में 38 स्थानों पर टॉपर्स के साथ लगाए गए चेकिंग प्वाइंट। 42 से अधिक पेट्रोलिंग मोबाइल क्षेत्र में एक साथ की गई निगरानी, हराने वाले को रोका गया, चेक किया गया, खास तौर पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर की गई कार्रवाई। नववर्ष के मौके पर भीड़भाड़ वाली जगह पर की गई चेकिंग, बम निरोधक दस्ता ने लिया जायजा। लॉर्डगंज थाना अंतर्गत यादव कॉलोनी में बदमाश ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के पैर पर गोली मारकर घायल किया। घायल युवक को इलाज के लिए गोल बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार फेफड़ों पर असर नहीं होने के कारण ओमिक्रॉन ज्यादा घातक नहीं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में, शनिवार सुबह 350 पर पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली में सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 77 नए मामले सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को मदुरई में मोदी पोंगल कार्यक्रम में भाग लेंगे। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़, 12 लोगों की मौत, 14 घायल। माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़, अधिकारियों ने जारी की हेल्पलाइन नंबर। ई श्रम पोर्टल पर 15 करोड़ से अधिक लोगों ने कराया पंजीकरण। पोर्टल को 2021 अगस्त के अंतिम सप्ताह में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने नववर्ष की दी बधाई। लिखा, 2022 की बधाई हो या वर्ष, आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। दिल्ली में घने कोहरे के साथ हुई नए साल की शुरुआत, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 23 मामले सामने आए, कुल संख्या बढ़कर 66 हुई। वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ पर पीएम मोदी ने जताया दुख, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर घटना की जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान, वैष्णो देवी भगदड़ में जान गंवाने वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने का ऐलान। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 22,775 नए मामले, 400 से अधिक लोगों की मौत, ओमिक्रॉन वेरियंट की संख्या बढ़कर 1431 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 28.81 करोड़ से अधिक हुए, मृतकों की संख्या बढ़कर 54.3 लाख। एक रिपोर्ट के मुताबिक सामी टॉयल सीरीज की $283 मिलियन कीमत की यूनिट 5 मिनट में बिकी। कराची में नए साल के जश्न में हुई गोलीबारी, 1 की मौत, 17 घायल। बांग्लादेश के नए मुख्य न्यायाधीश हसन फोयेज सिद्दीकी ने ली शपथ। उत्तर कोरिया में बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए सैन्य क्षमताओं में इजाफा करने पर जोर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर बीओई ने फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने नए साल के मौके पर कोरोना पीड़ितों को याद किया। मोहनलाल ने निर्देशक के रूप में बारोज का फर्स्ट लुक किया जारी। पाकिस्तान में जज की पत्नी का आरोप, कुछ लोगों ने मेरे घर घुसकर मुझे प्रताड़ित किया।